Good morning, students. Today our topic is supportive psychotherapy. Supportive psychotherapy, it's the part of psychotherapy. Different psychotherapies अपनी चल रही है. सबसे पहले अपनी psychotherapy थी individual psychotherapy, जो अपन previous class के अंदर कर चुके हैं. Then second class on supportive psychotherapy. What is supportive psychotherapy? नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर सपोर्टिव मैकेनिज्म है जो थेरेपिस्ट को काम में लेनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पेशेंट के इमोशन है उन सबको रिलीव करना होता है बाय दी थेरेपिस्ट विदाउट प्रोबिंग इन द पास्ट. पास्ट के अंदर बिना ताक झांक किए, उसके साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए उसके जो भी इमोशनल डिस्ट्रेस है पेशेंट के रिलीव किए जाते हैं, साइकेट्रिक सिम्टम से रिलीव किए जाते हैं. दिस थेरेपी नोन एज सपोर्टिव साइकोथेरेपी. दिस इज सपोर्टिव साइकोथेरेपी. अब ये सपोर्टिव साइकोथेरेपी है, इसके देने के डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स काम में ली जाती है जो कि आपके सामने नोट डाउन कर रखी है. फर्स्ट ऑफ ऑल है वेंटिलेशन, देन एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन एंड मॉडिफिकेशन. थर्ड वन इज पर्सुएशन, फोर्थ वन इज री एजुकेशन, फिफ्थ वन इज री अश्योरेंस, सिक्स इज एक्सप्लेनेशन, सेवन इज गाइडेंस. दीज आर द टेक्निक्स ऑफ सपोर्टिव साइकोथेरेपी. ये सपोर्टिव साइकोथेरेपी की डिफरेंट काइंड की जो टेक्निक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द वेंटिलेशन. वेंटिलेशन, व्हाट इज वेंटिलेशन? वेंटिलेशन टेक्निक के अंदर देखते हैं फ्री फ्लो एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट्स फीलिंग्स ऑफ द पेशेंट. फ्री फ्लोली उसके साथ डिस्कस करते हैं अपन जो पेशेंट्स की फीलिंग्स है, थॉट्स है, उनके बारे में उन थॉट्स को वेंटिलेट किया जाता है ज्यादा से ज्यादा. देन सेकेंड टेक्निक आती है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन. जो लिविंग कंडीशन है, जो पेशेंट की लिविंग कंडीशन है उसके अंदर मैनिपुलेशन करना तथा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना इस टेक्निक के अंदर किया जाता है. जो लिविंग कंडीशन के अंदर उसके अंदर चेंजेस है, मैनिपुलेशन है जो किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू. देन थर्ड टेक्निक इज पर्सुएशन. इस टेक्निक के अंदर वी आर या थेरेपिस्ट मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द साइकेट्रिक इल पेशेंट. साइकेट्रिक इल पेशेंट है, उसका बिहेवियर है वो मॉडिफाई किया जाता है. देन री एजुकेशन टेक्निक के अंदर जो उसकी कोपिंग मैकेनिज्म है, उसकी जो कोपिंग स्किल्स है उनको बहुत ज्यादा डेवलप किया जाता है ताकि आने वाले स्ट्रेस से उसको वो ओवरकम कर सके. दिस इज द री एजुकेशन के अंदर ये बताया. देन नेक्स्ट इज री अश्योरेंस. इसके अंदर उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको प्रमोट किया जाता है और उसके अंदर होप जनरेट की जाती है. होप को भी प्रमोट किया जाता है और जो कॉन्फिडेंस है उसको रीस्टोर किया जाता है. रीस्टोरेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड प्रमोशन ऑफ द होप इन दिस दी टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर किया जाता है. देन नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशन. वर्ड से आप समझ रहे हैं कि जो भी टेक्निक्स अपन काम में लेंगे, जो भी सिम्टम्स हैं आने वाले इन फ्यूचर, जो भी सिम्टम्स अपीयर होंगे, कितना लंबे टाइम तक ये थेरेपी चलेगी, क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे, तो ये सारा एक्सप्लेन करना पेशेंट को इस टेक्निक के अंदर किया जाता है एक्सप्लेनेशन. देन नेक्स्ट इज द गाइडेंस. गाइडेंस के अंदर बताया जाता है कि हाउ टू हैंडल सिचुएशन इन फ्यूचर. गाइडेंस के अंदर पेशेंट को ये बताया जाता है कि अगर यही प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, क्या क्या फॉलो अप आपको लेने होंगे, तो इन सब चीजों के बारे में गाइडेंस के अंदर आपको क्लियरली बताया जाता है. सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द सपोर्टिव साइकोथेरेपी. सपोर्टिव साइकोथेरेपी की ये डिफरेंट काइंड की थेरेपी टेक्निक्स होती है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ द सपोर्टिव साइकोथेरेपी.
साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी के डिफरेंट फेजेज है उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट फेज इज द इनिशियल फेज, सेकेंड फेज इज वर्किंग फेज, थर्ड फेज इज टर्मिनल फेज, इनिशियल फेज। ये जो इनिशियल फेज है इसके अंदर जो थेरेपिस्ट है और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, देन उसको काफी पेशेंट को काफी ज्यादा मोटिवेट किया जाता है और क्या किया जाता है, पेशेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बताया जाता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपकी वीकनेस है, इस एरिया के अंदर आप ज्यादा अच्छे हो, इस एरिया के अंदर आप थोड़े कमजोर हो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताया जाता है। और थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है इस इनिशियल फेज के अंदर। तो ये तीन फेजेज है इसके, सपोर्टिव साइकोथेरेपी का फर्स्ट फेज इनिशियल फेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग बाय द थेरेपिस्ट इन द पेशेंट, पेशेंट के अंदर पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है। देन वर्किंग फेज, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट फेज है वो ये फेज है, इंटेंस थेरापेटिक एक्टिविटी इस फेज के अंदर की जाती है, जितने भी अपने को टेक्निक्स काम में लेनी है वो सारी की सारी टेक्निक्स अपन इसी वर्किंग फेज के अंदर काम में लेंगे और इस फेज के अंदर अपन एक्सप्लोर करेंगे पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है और उसके अंदर इनसाइट है उसको डेवलप करेंगे, जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी इनसाइट, इनसाइट मीन्स अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, उसके अंदर ये अवेयरनेस डेवलप करेंगे कि आपको एक्चुअल ये प्रॉब्लम है, उसकी इनसाइट डेवलप करेंगे। ये होता है वर्किंग फेज के अंदर, ये इंटेंस एक्टिविटी की एक फेज होती है। देन टर्मिनल फेज, टर्मिनल फेज वो फेज होती है जिसके बारे जिसके अंदर अपन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेशेंट इंप्रूवमेंट, पेशेंट के इंप्रूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है, एंड दिस इज द टर्मिनल मीन्स एंड फेज ऑफ द ट्रीटमेंट, सो फॉलो अप के लिए भी इसको तैयार किया जाता है, दिस इज द टर्मिनल फेज। Now we are taking the next therapy, family and marital therapy. Family and marital therapy. नाम से clear हो रहा है, family and marital therapy के ऊपर focus किया जाता है, family के ऊपर basically focus किया जाता है। जो भी individual है, जिसका psychiatric treatment किया जाना है, अगर उसकी जो psychiatric symptoms है, वो related to his family है, तो focus individual पे नहीं, ना किया जाके फोकस किया जाता है फैमिली के ऊपर। मतलब कि अगर कोई पेशेंट जिसके अंदर कुछ साइकोटिक सिम्टम्स है, साइकेट्रिक सिम्टम्स है आ रहे हैं, उन कारणों के पीछे उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी है और उसके फैमिली के अंदर वो फीचर्स देखे जाते हैं, तो पेशेंट को फोकस ना देकर पूरा फैमिली को अपन फोकस देंगे, तो इसी को बोलते हैं फैमिली थेरेपी। तो इस फैमिली थेरेपी के अंदर जो पूरी फैमिली है उसको साइकोथेरेपी थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। सम इंडिकेशन ऑफ द फैमिली थेरेपीज आर, इंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर अपने को ये फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करानी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोसिस, देन रिएक्टिव डिप्रेशन, देन एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, देन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर ये दी जाती है, देन सब्सटेंस अब्यूज के अंदर भी इसको दिया जाता है, देन चाइल्डहुड साइकेट्रिक प्रॉब्लम, चाइल्डहुड साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम जितनी भी है अगर उनका रिलीवेंट फैमिली से है तो फैमिली को भी एक फैमिली थेरेपी दी जाती है, फैमिली साइकोथेरेपी उनको प्रोवाइड की जाती है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द दिस थेरेपी, फर्स्ट ऑफ ऑल असेस द फैमिली स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंपोनेंट है जो फैमिली है उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन रोल फैमिली मेंबर्स का क्या क्या रोल है उसको आइडेंटिफाई किया जाना, देन बाउंड्रीज ऑफ द फैमिली, बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये कंपोनेंट है, देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा है क्या है इन द फैमिली ऑफ द पेशेंट,
देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उनके अंदर कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उनका असेसमेंट के थ्रू किया जाता है. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फैमिली थेरेपी. तो अपन ने देखा इंडिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फैमिली थेरेपी. नाउ वी आर टेकिंग द पार्ट पेशेंट सिलेक्शन ऑफ द फैमिली थेरेपी. जो पेशेंट का जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे किया जाता है फैमिली थेरेपी के अंदर. पेशेंट का जो सिलेक्शन है किन किन कारणों पे, कौन कौन करवा सकता है पेशेंट का सिलेक्शन या पूरी फैमिली का सिलेक्शन फॉर द फैमिली थेरेपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बाय पेशेंट फॉर थेरेपी. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फिजिशियन. फिजिशियन के थ्रू जो पेशेंट का सिलेक्शन है जो किया जाता है कि इसको ये फैमिली थेरेपी की आवश्यकता है, इस पूरी फैमिली को फैमिली थेरेपी की आवश्यकता है. देन बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसी, डिफरेंट काइंड की जो एजेंसी है उनके थ्रू भी ये जो थेरेपी है उसका सिलेक्शन किया जाता है. लाइक स्कूल, देन वेलफेयर बोर्ड, देन पैरोल ऑफिसर, देन जजेज. तो ये जो एजेंसीज हैं इनके थ्रू पेशेंट का जो और फैमिली का सिलेक्शन किया जाता है. देन क्राइसिस ऑफ फैमिली, फैमिली के अंदर किसी तरह की क्राइसिस है लाइक ड्रग ओवरडोज की जो क्राइसिस है उसके अंदर भी फैमिली थेरेपी दी जाती है. देन डिस्चार्ज और फॉलो अप, डिस्चार्ज और फॉलो अप के लिए भी फैमिली थेरेपी जो रिकमेंड की जाती है बाय द साइकियाट्रिस्ट और बाय द थेरेपिस्ट. देन नेचर ऑफ मैरिटल प्रॉब्लम, मैरिटल जितनी भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी फैमिली थेरेपी का प्रावधान किया गया है. देन सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट, सिबलिंग के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए भी. देन चाइल्ड एंड द स्कैपगॉट, चाइल्ड एज द स्कैपगॉट, स्कैपगॉट, चाइल्ड एज द स्कैपगॉट. इसके अंदर अगर कोई फैमिली के अंदर ऐसा बच्चा है जिसको बिना किसी कारण के उसको सजा दी जाती है, स्कैपगॉट लाइक है बलि का बकरा बनाया जाता है, मतलब कोई भी काम हो तो उसकी जो रीजन है उसके ऊपर थोपा जाता है बच्चे के ऊपर. सो इसके अंदर ये किया जाता है तो उनको भी फैमिली थेरेपी की आवश्यकता होती है. देन सिचुएशनल क्राइसिस, सिचुएशनल क्राइसिस लाइक डेथ एंड माल न्यूट्रिशन. तो इन क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर भी फैमिली थेरेपी की आवश्यकता होती है. नाउ द टाइप्स ऑफ फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी के कौन कौन से टाइप है वो वेरियस टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इन डिटेल. डिटेल के अंदर सब जितने भी टाइप्स हैं फैमिली थेरेपी के वो टाइप्स अपन देखेंगे. इससे पहले अपन कंपोनेंट्स एंड इट्स के इंडिकेशन देख चुके हैं. देन वी आर टेकिंग द टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज इंडिविजुअल थेरेपी, इंडिविजुअल फैमिली थेरेपी. यह है इंडिविजुअल फैमिली थेरेपी. इंडिविजुअल फैमिली थेरेपी के अंदर अपन देखते हैं कि ईच फैमिली मेंबर है उसको प्रत्येक को एक पर्टिकुलर एक थेरेपिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक थेरेपिस्ट एक फैमिली मेंबर के ऊपर थेरेपी उसको देता है, ना कि होल फैमिली को एक ही थेरेपिस्ट है जो थेरेपी प्रोवाइड कराता है. तो इस तरह से इंडिविजुअल जो फैमिली थेरेपी है, इंडिविजुअल फैमिली थेरेपी के अंदर जो इंडिविजुअल फैमिली मेंबर है उनको थेरेपी प्रोवाइड की जाती है. देन नेक्स्ट इज कंजॉइंट फैमिली थेरेपी. कंजॉइंट फैमिली थेरेपी के अंदर जो भी न्यूक्लियर फैमिली है जिनको आवश्यकता होती है फैमिली थेरेपी की, उन न्यूक्लियर फैमिली को बाय द वन थेरेपिस्ट, न्यूक्लियर फैमिली मीट विद द थेरेपिस्ट, एक थेरेपिस्ट के साथ एक पूरी जो न्यूक्लियर फैमिली है उनको जो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है. देन थर्ड वन इज कपल, कपल थेरेपी, कपल फैमिली थेरेपी, कपल फैमिली थेरेपी. कपल फैमिली की थेरेपी के अंदर देखा जाता है कि जो भी कपल्स मैरिटल जो भी प्रॉब्लम है
उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स को जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके लिए जो ये कपल फैमिली थेरेपी है वो उनको बाय द थेरेपिस्ट प्रोवाइड की जाती है। उनको कोपिंग मैकेनिज्म और डिफरेंट स्किल और जो भी उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव किया जाता है। देन फोर्थ वन इज मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी, मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी। इन दिस 4 to 5 फैमिलीज मीट टूगेदर फॉर वीकली एंड कंफर्ट एंड डील विद प्रॉब्लम। जो भी फैमिली है, 4 से 5 फैमिलियां एक साथ मिलकर एक कॉमन जो प्रॉब्लम है उसके लिए कन्फ्रंट करती है बाय द थेरेपिस्ट, और थेरेपिस्ट है जो 4 से 5 फैमिली को थेरेपी है जो प्रोवाइड करवाता है। तो दिस काइंड ऑफ टेक्निक, दिस काइंड ऑफ टाइप नॉन एज मल्टीपल फैमिली एंड ग्रुप थेरेपी। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई इम्पैक्ट थेरेपी, मल्टीप्लाई इम्पैक्ट थेरेपी। इसके अंदर सेवरल थेरेपिस्ट हैं कम टुगेदर विद फैमिली इन कम्युनिटी सेटिंग। कम्युनिटी सेटिंग के अंदर जाकर जो सेवरल थेरेपिस्ट हैं वो उनको फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी सेटिंग्स के अंदर जाकर। कई सारे थेरेपिस्ट ये जो थेरेपी है वो प्रोवाइड करते हैं, ना कि सिंगल जो थेरेपिस्ट है। देन नेटवर्क थेरेपी, नेटवर्क थेरेपी का बेसिकली इसके अंदर 40 to 50% होते हैं बेसिकली, और 40 to 50% का एक फैमिली मेंबर्स का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो उनके अंदर डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दी प्रॉब्लम की जो स्किल है वो डेवलप की जाती है बाय दी दिस टाइप ऑफ दी फैमिली थेरेपी। सो हमने पढ़ा आज फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्टिव साइकोथेरेपी, देन फैमिली थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी के अंदर अपन ने देखे टाइप्स ऑफ दी फैमिली थेरेपी, दीज आर द टाइप्स ऑफ फैमिली थेरेपी। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी टेकिंग नेक्स्ट ग्रुप थेरेपी। थैंक यू वेरी मच।